नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वा चैनल पे आपकी 19,673 और 19,700 का एरिया ही इम्पोर्टेंट लेवल है और यहाँ पे ही सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट ने खुद साबित किया था कि यहाँ पे इस एरिया में सपोर्ट है। एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने आज सपोर्ट ली और शानदार रैली हमें देखने को मिली, जो कि लास्ट में क्लोजिंग 19,820 मतलब 120 पॉइंट की रैली हमें इंजॉय करने को मिली। उसके बाद अगर हम आगे चले बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में डेली आपको कहा जा रहा था कि ये एरिया ही सपोर्ट है, ये एरिया ही सपोर्ट है, तो वहीं से इसने सपोर्ट ली और यहाँ इसमें भी एक शानदार रैली 43,500 के आसपास जहाँ इसने क्लोजिंग दी और काफ़ी अच्छी रैली हमें यहाँ पर भी देखने को मिली। इस तरह से आपको एक दिन पहले ही, एक दिन क्या, पिछले 3-4 दिन से पहले ही से ही बताया जा रहा था कि यहीं पे सपोर्ट है, यहीं से मार्केट को ऊपर आना चाहिए। एग्जैक्टली हमें एक अच्छी खासी रैली मिली। तो जो दर्शक नए आए हैं और चाहते हैं कि हमें एक दिन पहले ही पता चले या 2 दिन पहले ही पता चल जाए, तो हमारे चैनल को फॉलो किया कीजिए। हमारे चैनल पे पहले ही कोशिश की जाती है कि आपको अच्छी तरह से समझाया जाए कि आखिर सही स्पॉट कहाँ है और सही रेजिस्टेंस कहाँ है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वहाँ जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी कमेंट्री में हम बार बार डेली बता रहे थे। आज भी हमने सुबह ही बता दिया था कमेंट्री में, आज सपोर्ट थोड़ी वीक होगी और आपने देखा 19,800 टूटा, उसके बाद वीकनेस आई, वीकनेस आने के बाद फिर ऊपर नीचे से शॉर्ट कवरिंग बनी और तेज रैली देखने को मिली, जो कि आपको सुबह कहा गया था कि बाय ऑन डिप, डिप आएगा वहां पे बाय करना 19,673-700। मतलब अगर वहां की कमेंट्री पढ़ोगे टेलीग्राम चैनल की और उसके साथ इस वीडियो को देखोगे, तो काफ़ी अच्छा मार्केट को आप समझ सकोगे। इसके अलावा नीचे डीमैट अकाउंट के जो लिंक दिए हैं वहां से अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। तो आइए अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी में भी जहां हमें 2 दिन पहले ये बता दिया था कि यहां पे सपोर्ट है, तो एग्जैक्टली 19,480 पर आपको कहा था कि अब यहीं पर बाय करना चाहिए और आपने देखा कितनी अच्छी रैली आपको इंजॉय करने को मिली। उसके बाद अगर हम आए मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी ने जरूर थोड़ा सा निराश किया, ये बार बार वही 9,520 के नीचे ही ट्रेवल कर रही है, ये इसके ऊपर नहीं आ रही। जब तक ये ऊपर नहीं आती कोई भी ब्रेकआउट हमें मिलने वाला नहीं। तो आइए अब हम आते हैं वर्ल्ड मार्केट पर। वर्ल्ड मार्केट में आपको कल ही बता दिया था कि फेड के मिनट्स क्या हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहा था मैंने आपको, कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, एक हॉकिश एंट्री दे देंगे और उसके बाद ये चीज़ें कैश हो चुकी हैं, मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मार्केट को पता है कि इनका काम है डराना, तो वो डराएंगे। तो वही काम फेड ने किया, उसका फर्ज भी बनता है डराते रहना, तो उसने डराया पर मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ा, उल्टा मार्केट खुश हो गई है। तो काफ़ी अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी, मिल रही है। और सारी निकाई देख लीजिए, काफ़ी 350 पॉइंट ऊपर है और हैंग सेंग भी अब 34 पॉइंट ऊपर है और डाओ फ्यूचर भी 10 पॉइंट अप है, क्योंकि क्रूड भी डाउन आ गया है, डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी डाउन है और बॉन्ड यील्ड और ज़्यादा गिर गई है, 4.3 पर आ चुकी है, ये धीरे धीरे 3.5 की ओर जाती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। और फिन जहाँ तक गिफ्ट निफ्टी का सवाल है, तो गिफ्ट निफ्टी आपको बताया था 19,894 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर ये रातों रात कहीं ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गई और यहाँ पे ट्रेवल करना शुरू कर दिया 19,960-920, तो हमें एक अच्छा गैप अप मिल सकता है। अब डिपेंड करता है कि गिफ्ट निफ्टी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है या नहीं, तभी हमें एक गैप अप मिलेगा, वरना नहीं, वरना फिर से हमें एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इस टाइम अगर हिसाब लगाएं तो 19,848 पे क्लोजिंग दी थी, इस टाइम 19,886 पे है, मतलब 40 पॉइंट अप है। अभी गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट अप है, तो मतलब काफ़ी अभी से ही मार्केट में एक रैली देखने को मिल रही है और अभी से इशारा मिल रहा है कि कल हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो जाए। और अब आते हैं हम डाओ फ्यूचर के चार्ट को समझें, तो डाओ फ्यूचर का चार्ट एक पीनट फ्लैग बना रहा है और वहाँ पे आपको पहले तो सिंपल फ्लैग बना रहा था, उस पर ब्रेकआउट दिया, अब पीनट फ्लैग की तैयारी चल रही है, तो ये भी मार्केट के लिए अच्छा है। और धीरे धीरे ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 35,626, उस ओर मार्केट बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मतलब डाओ फ्यूचर भी पूरी तरह से पॉजिटिव है।
तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन अगर देखें, जो कि 13 नवंबर की ऑप्शन चेन है, उसमें क्या नज़र आ रहा है कि 43,500 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। कारण क्या है, 43,500 के नीचे क्लोजिंग आई है, तो नेचुरली है कि यहाँ पे कॉल राइटर तो आएगा। जिस तरह से पुट राइटर भी आया, तो कल हो सकता है यहाँ पे फिर से एक टक्कर देखने को मिले। पर एक चीज़ है, अगर बड़ी बड़ा गैप अप हुआ तो ये कॉल राइटर पूरी तरह से ट्रैप होगा और फिर नेक्स्ट 44,000 तक का हमें लेवल मिल सकता है। अभी देखते हैं कि मार्केट कैसे खुलती है। वैसे गैप अप के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आइए बैंक निफ्टी में अब हम देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में जैसा कि आपको पहले से बताया जा रहा था कि यहीं पे अच्छी सपोर्ट है, यहीं पे अच्छी सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे 200 EMA है। तो 200 EMA तक कोई भी डिप आता है उसे बाय कीजिए। वहीं 43,270 का आप SL रखिए, ठीक। और उसके बाद ऊपर टारगेट वही 43,400, 453 जो कि 20 EMA है, और 43,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 43,500 के ऊपर 5 5 मिनट की 3 कैंडल सस्टेन होती है, तो 20 EMA के स्टॉप लॉस के साथ आप फिर से अपसाइड मूव प्ले कर सकते हैं। और आपको कौन कौन से लेवल मिल सकते हैं, 43,632, 683। 683 पे क्या है, 10 EMA, 20 EMA जो डेली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। पहले ये यहाँ पे ट्रेवल कर रहा था तो यहाँ पे तंग कर रहा था, अब यहाँ पे आ चुका है, तो कल फिर से यहाँ पे तंग कर सकता है आपको। तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। फिर अगर कोई उछाल आ भी जाए 44,000 तक, ये सारे एरिया में आपने सेल ऑन राइज ही करना है, और फिर आपको नीचे के लेवल वापस 43,700, 680 और वही 500 के वापस मिल सकते हैं। ब्रेकआउट जो आएगा वो आएगा, आपको मिलेगा 43,950 या 43,400 ही लगा लीजिए, 43,400 या 44,100 के आप अपसाइड को प्ले कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना कि वहाँ से 5,500 पॉइंट ही मिलेंगे, कोई कुछ खास नहीं मिलेगा। असली रैली जो बनेगी वो बनेगी 44,200 के ऊपर ही। तो 44,210 के ऊपर अगर 5 5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज होती है, तो आपको क्या मिलेगा, 44,500, जहाँ पे 50 EMA ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे 50 EMA है, तो यहीं पे आपने अपना प्रॉफिट फिर बुक करना है। मतलब बेस्ट ट्रेड 44,200 के ऊपर ही बनेगी, क्योंकि 44,200 पे एक 50 EMA भी है। जब तक ये क्रॉस नहीं होता, तब तक एक ब्रेकआउट नहीं आने वाला। तो ये है बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप। अब आते हैं निफ्टी पे कि निफ्टी पे क्या चाल बन रही है। निफ्टी पे अगर हम देखें प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग 19,700 पे अच्छी खासी पुट रेटिंग, इसी डिप को बाय किया गया। 19,800 के ऊपर मार्केट का क्लोज होना काफ़ी पॉजिटिव है, और कल देखते हैं कि कल 19,900 क्रॉस होता है या नहीं। अगर हो गया, कल एक्सपायरी है, तो काफ़ी अच्छी हमें कॉल राइटिंग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अगर एक्सपायरी वाले दिन ये कॉल राइटर फंस जाए, तो अगर ना फंसा तो फिर से जो हाल आज हुआ है फिर से कल हो सकता है। तो ध्यान रखना, दोबारा से वही डिप आ सकता है, फिर दोबारा से वही रैली मिल सकती है, वो भी अच्छा है। अगर डिप आके रैली मिलती है तो वो भी अच्छा है। ज़रूरी नहीं होता कि हमने कमाना तभी है कि 19,900 क्रॉस हम तभी कमाएंगे। हर वक्त तैयार रहना चाहिए जब भी हमें कोई मौका मिले। तो मौका आपको कहाँ से फिर से मिलेगा, 19,650 से लेकर 19,700 का एरिया बाय ऑन डिप। स्टॉप लॉस 19,600 का रखो, ठीक। ऊपर टारगेट 19,730, 780, 826 तक के मिल सकते हैं। 826, 830 क्या है, डेली का एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। जैसे 19,673, 19,673 पे एक नया सपोर्ट मिला है, वैसे एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है 19,826। ऊपर 19,850 पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 19,875 पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो 19,850 से 875 का एरिया सेल ऑन राइज है, और 19,900 का आपको रखना चाहिए स्टॉप लॉस। शॉर्ट कवरिंग जो बनेगी वो बनेगी 19,914 के ऊपर ही। फिर आपको मिलेगा क्या, 20,000, 20,100, 200, वो लेवल फिर आपको सारे मिल जाएंगे। तो ये है निफ्टी का कंप्लीट
प्राइस एक्शन का सेटअप। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।